सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं हां तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध से किसान संगठनों ने किया अंदोलन तेज। किसान जथेबंदियों के आगुआं ने की एक दिन की भुख हड़ताल, कहा कानून रद्द करवा के रहांगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिता बयान, कहा किसानों नाल गलबात की अगली तरीक तय करने लई केंद्र सरकार किसानों के नाल संपर्क च। पंजाब भर च किसान आगुआं ने घेरे डीसी दफ्तर, कहा खेती कानून किसान मारू, सरकार खिलाफ की नारेबाजी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। खेतीबाड़ी सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने अंदोलन तेज कर दिता है और सरकार उत्ते दबाव बढ़ाने लई किसान आगू भुख हड़ताल उत्ते बैठे। किसान नेता अज सवेरे 8 बजे तो भुख हड़ताल से बैठे, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। यह भुख हड़ताल राजधानी के गाजीपुर, टिकरी, सिंघू सरहद और कुछ होर स्थानों उत्ते की गई। किसान संगठन 3 खेतीबाड़ी सुधार कानूनों रद्द करने लई अड़े ने। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों नाल गलबात की अगली तारीख तय करने लई सरकार उन्हां नाल संपर्क च है। तोमर ने कहा कि बैठक यकीनी रूप नाल होवेगी, असी किसानों नाल संपर्क च हां। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय गलबात लई तैयार है। किसान नेतावां नूं इह तय करके दसना होगा कि वह अगली बैठक लई कदों तैयार होणगे। तोमर प्रदर्शनकारी किसानों दीआं तकरीबन 40 यूनियनां दे प्रतिनिधियां नाल सरकार की गलबात की अगवाई कर रहे हैं। इस च उन्हां नाल केंद्रीय वणज अते खुराक मंत्री पीयूष गोयल अते वणज ते उद्योग राज मंत्री सोम प्रकाश शामिल ने। केंद्र अते किसान नेतावां दरम्यान हुण तक होईआं 5 दौर दीआं वार्तावां बेनतीजा रहीआं ने। तोमर ने सोमवार नूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल भी मुलाकात की अते गतिरोध खत्म करन दे तरीके उत्ते चर्चा की। बाद च उन्होंने ऑल इंडिया किसान एकजुट कमेटी की अगवाई वाले किसानों के वफद नाल मुलाकात की, जिसने किसान कानूनों नूं समर्थन दिता है। पिछले 2 हफ्तों च कानूनों नूं समर्थन देण वाला यह चौथा समूह है। किसानों वालों नवे खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध अंदोलन को तेज करने दरमियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जोर देकर कहा कि खेतीबाड़ी खेतर जद्दी खेतर है और इस विरुद्ध कोई भी कदम चुकने का सवाल ही नहीं उठता। उद्योग चैंबर फिक्की की सालाना आम बैठक में संबोधन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी खेतर च हाल ही किसानों के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रख के सुधार किए गए हैं। नाल ही उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा चर्चा और वार्ता लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी खेतर एक अजिहा खेतर है जो कोरोना वायरस लाग के प्रतिकूल प्रभावों से बचने में समर्थ रहा है। उन्होंने कहा कि साड़ियां फसलों और उन्हों की खरीद चंगी मात्रा च है और साढ़े गोदाम भरे हुए हैं। दसणयोग है कि नवे खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हजार किसान दिल्ली दी सरहदों उत्ते पिछले 2 हफ्तों तो वध समय तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली धरने उत्ते बैठे किसानों के समर्थन च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्त रखा। केजरीवाल के नाल नाल पार्टी वर्करों ने भी समूहक वर्त रख के किसानों प्रति एकजुटता जाहिर की। केजरीवाल ने कहा कि नवे कानून किसानों के ही नहीं सगों आम आदमी के भी खिलाफ ने। इस कानून के आने महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अज धरने उत्ते बैठे किसान साढ़े सारे एहसान कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अज पूरा देश संकट च है, क्योंकि किसान संकट च ने। किसान अते जवान देश की नहीं होंगे ने। जेकर किसान अते जवान संकट च होणगे तां उह देश किवें तरक्की कर सकता है। जिस किसान नूं अज खेतां च होना चाहिए वह कड़ाके की ठंड च धरने ते बैठा है। उन्हें कहा कि उन्होंने इस गल की खुशी है कि अज पूरा देश किसानों के नाल खड़ा है। देश भर तो खिडारी, वकील, बॉलीवुड हस्तियां, डॉक्टर किसानों नाल खड़े ने। लोग भावें ही सिंघू सरहद उत्ते ना पहुँच सकन, पर अज लखां लोगों ने किसानों के समर्थन में वर्त रख के किसानों का समर्थन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्ते वड्डा इल्जाम लाया। उन्हें कहा कि सीएम कैप्टन ने अपने बेटे को ईडी के केस चों कढ़वाउण लई केंद्र सरकार नाल सैटिंग की है और किसानों के अंदोलन को बेच दिता है। उन्होंने ट्वीट राही कहा कि कप्तान मैं शुरू तो ही किसानों के नाल खड़े हैं और दिल्ली के स्टेडियमों जेल नहीं बन दिता, केंद्र नाल लड़िया, मैं किसानों का सेवादार बन के सेवा कर रहा। तुसीं अपने बेटे को ईडी के केस को माफ़ करवाउण लई केंद्र नाल सैटिंग की है, किसानों का अंदोलन बेच दिता क्यों? जिक्र योग है कि बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किसानों वाले समर्थन में भुख हड़ताल से जाने की घोषणा ड्रामा करार दिता। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को खेतीबाड़ी के एक नियम बेशर्मी नोटिफाई करके किसानों की पिठ से झाकू मारिया और हुण सोमवार को किसानों की भुख हड़ताल के समर्थन से ने तुहाडी भुख हड़ताल उत्ते बैठन का ऐलान करन दा विखावा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों शंभू बार्डर उत्ते जी टी रोड उत्ते किसानी संघर्ष के हक में दिते रोस धरने संबोधन करदिआं
सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने आख्या कि जब केंद्र सरकार मन रही है कि नवे कानूनों में खामियां ने अते केंद्र राज्य सरकारां नूं तरमीम करन दी छूट देण नूं तैयार है तो फिर केंद्र सरकार बिना देरी यह कानून रद्द करे अते पहलां दी स्थिति बहाल की जाए। सूबा कांग्रेस प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार सूबयां दे अधिकारां नूं मुड़ बहाल करे अते संविधान अनुसार सूबयां दे अधिकार खेत्र दे विषयां ते राज सरकारां नूं कानून बनाउण दी आग्या देवे। उन्होंने कहा कि देश दे संघी स्वरूप नूं बनाई रखण लई लाजमी है कि संविधान दी मूल भावना नाल छेड़छाड़ ना होवे। उन्होंने कहा कि असल विच केंद्र सरकार कारपोरेट घराणां दे हित पूर्ण लई ही इह कानून लागू करन उत्ते अड़ी हुई है। जाखड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी आमदन स्रोतों उत्ते GST राही कीते एकाधिकार कारण राज्यां दे अधिकार बहुत सीमित कर दिते ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार MSP की हामी भरे ते बाकी खेती संबंधी फैसले लैण दा अधिकार राज्यां नूं देवे तां कि इस समस्या का स्थाई हल हो सके। केंद्र सरकार वल्लों पास कीते गए काले कानूनां खिलाफ बोलदिआं श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जेकर किसानों नूं कानून पसंद नहीं तो कानून बनाउण दा की फायदा। उन्हें कहा कि जेकर इस समय प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल होंदे तां उह कदी कानून ना बन दिंदे। उन्हें कहा कि वह पार्लीमेंट उत्ते दबाव बनाने की कोशिश करनगे तां जो इन्हां काले कानूनों नूं जल्द तो जल्द रद्द किया जाए। उन्हें कहा कि अकाली दल किसानों नाल हमेशा मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ी रहेगी। दा मतलब है कानून बनाने लोगों वास्ते जनता वास्ते, जे जनता नूं कानून पसंद ही नहीं फिर ईगो की है, सरकार की है। मैं बेनती करना चाहना भारतीय जनता पार्टी पंजाब के यूनिट नूं बेनती करना चाहना कि वह जान उत्थे सेंटरली अपनी सरकार नाल गल करन ते दसन कि पंजाब की जनता विच माहौल की है। मैनू लगता है कि दिल्ली च बैठे जिहड़े हुक्मरान है उन्होंने थले फीडबैक नहीं पता, सही फीडबैक दसन कि देश के किसान की आवाज़ की है। जो सही फीडबैक देख लैन, मैं तुहानू अज दसा जिस तरह प्रकाश सिंह जी बादल मोदी साहब की जगह पर प्रधानमंत्री होंदे उन्होंने पहली गल तो कानून नहीं बनाने सी, नहीं तो वो जो भी फैसला करते हैं जनता नू देख के फैसला करते हैं ते जे फैसला लेना पे किते ईगो नहीं रखी उन्होंने। जेडे कानून बनाए है किसान नू तो नुकसान है। आ सारी कारपोरेट जेडे इंडस्ट्री कई कारपोरेट हाउसेज है उन्होंने फायदा। खेती कानूनों नू लेके BJP दे आगू विजय सांपला ने कहा कि किसान अंदोलन च गलत अंसर बढ़ गए ने जो चिंता का विषय है। उन्होंने कांग्रेसी संसद मैंबर रवनीत बिट्टू के बयान का हवाला दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि कुछ अंसर भाईचारक सांझ नूं तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने किसानों नूं अपील की कि वह इस बाबत चेतन रहन। जदों उन्हें दिल्ली की स्टेज तो ला के बाहर किया तो फिर उसका भी बयान यही सी जो असीं कह रहे हैं कि अज आतंकवादी कुछ गए, गलत अंसर कुछ गया। और ये मैं बिट्टू ने उठे बड़े शरेआम किया सी, और उही बिट्टू सी जिहड़ा पंजाब प्रधान दे उत्ते कह रहा सी कि मैं हमला कराया, और जदों उन्हें स्टेज तो लाता तो उहदे उसे वेले विचार बदल गए और वह उन्हां नूं आतंकवादी जिहड़ा दस रहा सी। और मेरा कहण दा भाव है कि यह स्पष्ट करन जिहड़ी उन्हां दे बिट्टू नूं भी तो स्पष्ट करना चाहिए ना। असीं यह कह रहे हैं कि किसान भरा जिहड़े आ उह अंदोलन जिहड़ा कर रहे ने, सानूं उत्ते कोई इतराज़ नहीं, पर उन्हां दी आड़ दे विच कुछ गलत अंसर आ गया। पर बिट्टू ने तो सारा कहता कि वो सारे दे सारे ही गलत आंसर ने, और वो दिल्ली दे विच बैठ के कह रहा सी कि सारे ते किसान लीडर ते होटलों च बैठे ने। इहदा मतलब उन्हें आप स्वीकार किया कि किसान अंदोलन नहीं, ये कोई होर लोग जिहड़ा कर रहे ने। किसान जथेबंदियां वालों दिते कौमी पद्धर दे सदे तहत पंजाब च किसानां ने DC दफ्तर घेरे। इसे तहत किसान मजदूर अते मुलाजम जथेबंदियां वालों पटियाला दे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे सामने रोस धरना दिता गया। इस मौके किसान आगुओं ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार गलत वतीरा अपना के चल रही है, जबकि सबनों पता है कि तिने खेती कानून रद्द किए जाने चाहिए ने। धरने संबोधन करने वाले आगुओं ने कहा कि कौमी पद्धर उत्ते किसानों का संघर्ष तेज हो रहा है, जिस कारण आने वाले समय में मोदी सरकार होर भी वक्त पवेगा। किसान जथेबंदियों वालों अज डिप्टी कमिश्नर पटियाला के दफ्तर के बाहर धरना लगाया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो, सिर्फ महिलाओं तो अलावा किसान जथेबंदियों के आगू और पटियाला वख-वख जिहड़ियां ने संस्थावां कह सकते हैं अते जथेबंदी जिहड़ियां ने अज धरने दे विच शमूलियत कर रही ने। काले कानून रद्द करवाउण दे लई जिहड़ा अज खास तौर पर जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर दे द्वारा धरना तैयार है, महिलाओं मौजूद ने। सो धरना प्रदर्शन जारी है, हर वर्ग जिहड़ा किसानों का साथ दे रहा है। किसान जथेबंदियां जिहड़ियां लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कित्थों है भाई तुसीं?
ਮੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਝੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਵਾਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦੇ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੀਸਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
श्रोमणी अकाली दल का 100 साल स्थापना दिवस श्रोमणी अकाली दल बादल वालों अमृतसर विखे मनाया गया। इस मौके श्री हरिमंदर साहब समूह विखे श्रोमणी अकाली दल वालों रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। शब्द कीर्तन उपरंत अकाली दल और सिख पंथ की चढ़ती कला लई अरदास की गई। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अज का दिन इतिहासिक है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पार्टी अज 100 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने दस्सिया कि 1920 श्रोमणी अकाली दल का गठन किया गया। श्रोमणी अकाली दल नूं शहीदां दी जथेबंदी कहा जाता है। अज का दिन बड़ा इतिहासिक दिन है सिख पंथ वास्ते क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की 100वीं वरीगंढ अज मनाई जा रही है। 100 साल पहले महंतां तो गुरु घरां नूं आजाद कराने वास्ते उस टाइम जिहड़ी मर्यादा नहीं चलाई जा रही सी गुरु घरां विच अपने बजुर्गों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम सी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसका मकसद सी कि सारे गुरु घरां नूं एक मर्यादा थले लिया के ते उहदी सेवा संभाल दी वधिया तरीके नाल सेवा संभाल की जाए। महाराष्ट्र सिख एसोसीएशन वालों वातावरण की सांभ संभाल लई संत बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले आशीर्वाद नाल मानपुर तो पनवेल हाईवे के आसे पासे अते विचकार मई 2019 तो 21,000 रुख लगाए गए सन। संस्था वालों इन्हां रुखां की सांभ संभाल लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र सिख एसोसीएशन के कन्वीनर बल मलकीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब के शुभ मौके पर उन्होंने वालों ये पहलकदमी की गई सी ते अज भी बूटे की सांभ संभाल की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन चन्ना ही जाते जाते नज़र मारते हाँ भारत के मौसम के हाल उत्ते। वैदर ब्रांडिंग पावर्ड बाय गोदरेज ईजी लिक्विड डिटर्जेंट